प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच होने वाली सिवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए और एक तरीके से तुर्की राज्य छिन्न भिन्न हो गया। संसार भर के मुस्लिम तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा यानी कि धर्मगुरु मानते थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर से दबाव डालने का प्रयास प्रारंभ हुआ। लेकिन इस प्रयास में जो सबसे बड़ा दबाव था वो भारत का था। भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया उसका नाम था खिलाफत आंदोलन, और इस आंदोलन के प्रणेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। आज हम आपको इसी आंदोलन के प्रणेता मौलाना शौकत अली के बारे में बताएंगे। 1918 और 1919 के बीच तेजी से उभरने वाले खिलाफत आंदोलन को मौलाना शौकत अली और उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली ने धार दी। इस आंदोलन में हालांकि देश के लगभग समस्त मुसलमान कूद पड़े थे, मुसलमानों के साथ साथ महात्मा गांधी के वरदहस्त से इस देश के हिंदू भी खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। शौकत अली ने अपने भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर की उर्दू साप्ताहिक हमदर्द और अंग्रेजी साप्ताहिक कॉमरेड प्रकाशित करने में काफी मदद की थी। 1919 में जब वह विद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप में ब्रिटिशर्स ने उन्हें जेल में बंद भी किया था। मौलाना शौकत अली का जन्म 1873 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही शौकत अली का क्रिकेट से अत्यधिक लगाव था और वे विश्वविद्यालय की टीम के कप्तान थे। शौकत अली की अहिंसावादी सोच और लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत के कारण महात्मा गांधी उन्हें भारतीय राजनीति में आगे ले आए। गांधी जी के आह्वान पर हजारों हिंदू भी खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन को मुस्लिमों ने भी अपना समर्थन दिया। 1920 के मध्य तक खिलाफत आंदोलन में गांधी के समर्थन के बदले खिलाफत नेता असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और इस गठबंधन से ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू मुस्लिमों का एकजुट मोर्चा तैयार हुआ और इसी मोर्चे ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक मजबूती दी। इतिहास की किताबों में शौकत अली का नाम एक और विशेष कारणों से जाना जाता है, क्योंकि शौकत अली ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था उसमें भाग लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1931 में आयोजित हुआ था। 26 नवंबर 1938 में 65 साल की उम्र में मौलाना शौकत अली इस दुनिया को विदा करके चले गए। 26 नवंबर 1938 में मौलाना शौकत अली का निधन हो गया। उस समय वो 65 वर्ष की उम्र के थे और इस तरह देश का एक अजीमोशान सिपाही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियोस को लाइक भी करें। धन्यवाद।